गुरुग्राम लोकसभा से इनेलो उम्मीदवार हाजी सोहराब खान ने कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार पर निशाना साधा। वहीं मेवात के स्थानीय नेताओं पर मेवातियों को बेचने का आरोप लगाया। सोहराब खान आज रेवाड़ी के पोसवाल चौक स्थित चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेवात से कांग्रेस को इस बार वोट नहीं मिलेगी। भाजपा उम्मीदवार को मेवात ने पहले वोट की थी, शायद जनता इस बार भी वोट करती, लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह ने मेवात के लोगों को धमकाया है। सोहराब खान ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह हर चुनाव में मेवात में रेल की सीटी बजने की बात कहते आए हैं, लेकिन आज तक मेवात में रेल नहीं आई है। जो हमारे जो लोकल नेता वहाँ के, आपने देखा होगा पहले से भी, ये ऐसे ही करते हैं, ये मेवात को बेचते हैं। हमेशा इन्होंने मेवात को बेचने का काम किया। ये तो फिल्मी इंडस्ट्री में तो पैसा ही पैसा, इसलिए कैसे कैंडिडेट को लेकर आए जो इनकी पेट इनका पेट भर सके, वही काम इन्होंने अभी किया। वो पब्लिक के सामने उनकी जो वीडियो थी, जो फोटो फुटेज थी, वो उनके सामने आ गई। उनकी जो पैसे पे लड़ाई, जो झगड़ा हो रहा है मेवात में, उनकी उनका तो जो काला चिट्ठा था खुल गया। आपने इंद्रजीत सिंह का जो भाषण सुना होगा, उन्होंने मेवात को धमकाया है, वोट की अपील नहीं की। उन्होंने ये कहा था मैं जीता तो पड़ा हूँ, मुझे जीता तो देंगे रेवाड़ी वाले और गुड़गांव वाले। मैं सोच लो मेवात वालों, इस लहजे में सोच लो मेवात वालों, अगर आपको अपना हिस्सा अगर रखना है तो। ये नहीं कहा मुझे वोट दे दो, आपने अगर अपना हिस्सा रखना है तो देख लेना, तो वोट कहाँ मांग रहा है। और फिर आप राव साहब ये गलत कहते हैं इस चीज को। मैं 14 में मैं उसके साथ था, कांग्रेस से लगभग 1,40,000 वोट मेवात वालों दी थी जाकिर के मुकाबले, जब 84,000 वोटों से जाकिर हारा था। जब राव साहब को लगभग 1,40,000 वोट मेवात, वो गलत कहता, वो अगर हम सारी 7,500,000 वोट भी दे दे तो हमारे वोट का मायने नहीं रखता, वो वोट की हमारी गिनती नहीं। कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसमें राव इंद्रजीत को मेवात वालों ने वोट ना दिया। नहीं तो सबसे बड़ी मैं तो अपनी तरफ से बीजेपी को इतने दोषी नहीं मानता जितने कांग्रेस दोषी। हमारे साथ जो किया कांग्रेस ने किया, क्योंकि जितने भी जो कानून लेकर आए थे सारे कांग्रेस की सरकार में, जो कानून बने सारे कांग्रेस के, बीजेपी को तो एक बार उनके कानून बने बनाए मिल गए और वो तो उसको लागू कर रहे हैं, उनकी क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपका कोई हिंदू मुसलमान के इलेक्शन नहीं है, वो तो एक राव साहब की सोच थी। अगर मुझे वहां वोट नहीं, तो अगर उस भाषण से पहले, मैं कह रहा हूँ राव से पहले से ज्यादा वोट मिलती राव साहब, लेकिन अब एक भी वोट नहीं मिलेगी। जो उसने भाषण दिया है, जो मेवात को धमकाया है ना, अब उसको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो है वो चीज नहीं है जो पहले थी, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वो चीज नहीं। इसका मतलब बीजेपी से कोई शिकायत नहीं मुसलमानों को? नहीं, कोई शिकायत नहीं है भाई। यहाँ रेवाड़ी का वो राजा है भाई, पता नहीं आप किस तरीके से उसको आंकते हैं। हमारे तो हर बेर रेल की सीटी बजाओ, कभी सीटी बजी ना, तुम्हारा जाने विकास हो रहा है, डर की वजह से उसको वोट देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप डरते हो। विकास विकास नहीं।